Memories fade away. Wither out, but I can't ignore the ache. Lying deep underground, you must have lost your way. Look around, all we can do now is pray. Make it count. गोपालपुर पांथो निवास का जो मेजर एडवांटेज मेरे को लगा कि यहाँ पे आपको प्राइवेट बीच मिलेगा। प्राइवेट एज इन यहाँ जितने भी लोग हैं वो सारे लोग पांथो निवास के ही हैं और बहुत ही कम क्राउड है यहाँ और जो साफ सुथरा है ये बीच, मतलब अब क्या ही बताऊँ आपको। और पानी का कलर देखो पीछे पूरा ब्लू और गंदगी एकदम नहीं है, पूरा ये बीच साफ सुथरा। और वो है लोग जहाँ पे बहुत ज़्यादा, आपको दूर अगर वो दिख रहा होगा क्राउड वहाँ पे ज़्यादा है और वो गोपालपुर का मेन बीच वो है। और ये पांथो निवास के लिए स्पेशल ये प्राइवेट बीच आप बोल सकते हैं। और ये देखो पानी का कलर यार, साफ सुथरा बीच देख के मन करता है कि एक बार चला जाओ और अंदर पानी के। तो सनसेट होगा पीछे से और थोड़ी देर में हम लोग सनसेट भी यहाँ पे देखने वाले हैं। ये क्या मछली है कोई? नहीं, प्लास्टिक प्लास्टिक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जो गोपालपुर का मेन बीच है वहाँ, और बहुत आज क्राउड है बिकॉज आज है संडे। और वहाँ से कुछ ख़रीदना था हम लोगों को, तो देखे वहाँ पे अगर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज जाके फिर यहाँ से सनसेट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्या मिला वो दिख रहा है सामने वाला एरिया? देखो वहाँ पे क्राउड।
memories fade away. Wither out, wither out, but I can't ignore the ache. Lying deep underground, you must have lost your way. Look around, look around, all we can do now is pray. Make it count. ये कितना 300 रुपये इतना छोटा और इतना दाम ये वाला अच्छे वाला ये वाला 250 बड़ा वाला देखा है ना देखा ये बड़ा वाला है 800 रुपये are gone, made our peace, said goodbye, cause the further we carry on, through the fight, the stronger that we become, hey, I've lived through water havoc, seen pain you can't imagine, these days it takes a burden. Any beach's favorite part is either sunrise or sunset. Now, sunset is about 15 or 20 minutes left. और हम लोग चले गए थे संघ खरीदने तो हमारे रिसोर्ट के पास ही जो पंथ निवास है वहाँ से व्यू काफ़ी बढ़िया आता है तब इसलिए मेरे को दौड़ दौड़ के आना पड़ा ताकि मैं वो व्यू कैप्चर कर सकूँ एक बार देखो वो समझ में आया आई होप टाइम लैप्स अच्छा लगा होगा अब निकलना है थोड़ा सा मार्केट की ओर कुछ को सामान लेना था अब देखें यहाँ से वो लेना ठीक होगा कि नहीं शंख लेना था एक्चुअली बट जहाँ तक मेरे को पता है कि शंख पूरी का बढ़िया होता है और पूरी से ही ये लोग भी लाते हैं तो एक बार देखें अगर समझ में आता तो शंख लिया जाएगा नहीं तो फिर आज रात यहाँ पर बिता के फिर कल के लिए फाइनली घर की ओर वैकेशन ख़त्म और फिर तैयारी शुरू होगी हमारे नेक्स्ट टूर की अब नेक्स्ट टूर क्या होगा वो प्लान करना है अभी बज गए हैं रात के करीब 10 और कल सुबह सुबह हम लोगों को निकलना है घर के लिए तो यहाँ से करीब 11 या 12 घंटे लगने वाले हैं हम लोगों को तो अब फटाफट सो के सुबह जल्दी जल्दी उठ के एक लंबा सा ड्राइव तो आज के लिए बस इतना ही इसके बाद अगले ट्रैवल वीडियो में आपसे मिलूंगा मैं तब तक के लिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर